99% बच्चे ये तीन स्टडी मिस्टेक करते हैं, जिनके वजह से उनका जो सपना है 90 और 95 प्लस मार्क्स लाने का, वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाता है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और सनराइज एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको तीन स्टडी मिस्टेक बताने वाला हूँ और सामने उसके क्या सोल्यूशन है वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो स्टोरी आपकी खुद की है, आपसे रिलेट करती है। तो सबसे पहले आपको सोचना है, इमेजिन करना है कि नहीं, ये वस्तु मेरे साथ हो रही है। तो देखिए, 2 से 3 महीने बाद आपकी बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। आपने रिजल्ट देखा 95 प्लस, आपके होश उड़ गए। आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील कर रहे हैं। स्कूलों में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं आपके, क्लासेसों में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं आपके, सभी जगह हर जगह आपकी बात हो रही है। आपके मोहल्ले में आप पेड़े बांट रहे हैं। जो रिलेटिव्स आपको हमेशा ताने मारते थे कि आपका लड़का नहीं पढ़ता, आपका लड़का तो कुछ नहीं कर पाएगा, वही रिलेटिव्स आपको फोन कर रहे हैं और आपको अभिनंदन कर रहे हैं। तो सोचिए उस समय की फीलिंग, सोचिए क्यों चले गए ना ड्रीम में। अब रिटर्न आते हैं हम रियलिटी में, क्या आप उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको रोज जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ रहे हैं? सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे रहे हैं? आप टाइम वेस्ट किए बिना अपना टाइम पूरा का पूरा स्टडी पे फोकस कर रहे हैं? तो सभी जगह से आपको ना आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको टॉपर्स का माइंडसेट नहीं पता है। आप एक एवरेज बच्चे हैं, तो टॉपर्स किस तरह से टॉपर बने हैं, और आप अगर एवरेज बच्चे हैं तो किस तरह से टॉपर बन सकते हैं, तो चलिए हम जानते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम सबसे पहले मिस्टेक की, जो कि है सेल्फ डाउट। इसको भी एक स्टोरी समझेंगे। अब समझिए, सौरव नाम का एक लड़का है, उसकी स्कूल में कल मैथ्स का एग्जाम होने वाली है, चैप्टर नंबर 14 की। तो वो सबसे पहले अगर ये सुनेगा ना, तो सबसे पहले उसके तो होश उड़ जाएंगे। वो सोचेगा, उसको खुद पे डाउट होगा कि बोले यार ये चैप्टर तो मैं कर नहीं सकता, मुझे चैप्टर ही नहीं आता है, अब मैं क्या करूंगा। तो क्या करेगा, घर जाएगा, उसके पास में जो दोस्त रहता होगा, या तो क्या करेगा, अपने दोस्तों को फोन मिलाएगा कि भाई देख ये चैप्टर के एग्जाम होने वाले, तो प्लीज मुझे चैप्टर समझा दे। तो अब उसके दोस्त को खुद को तैयारी करनी है, तो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई देख मैं तेरे को एक वीडियो लिंक भेजता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो देख ले, तेरे को कुछ ना कुछ तो आइडिया आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, यूट्यूब पे वीडियो देखेगा। अब एक तो टेंशन है, टेंशन की वजह से बरोबर पूरा वीडियो नहीं देख पाएगा, उसने अर्धा वीडियो देखा, अब उसको मजा नहीं आया। अब क्या करेगा, अपने दूसरे दोस्त को फोन मिलाएगा कि भाई देख भाई मेरे कल एग्जाम है, तू मुझे कुछ ना कुछ समझा दे। तो क्या करेगा, भाई देख एक काम कर, एक मार्केट में एक बुक मिलती है, जा तू ये बुक परचेस कर ले और इसमें से पढ़ ले। वो बंदा क्या करेगा, मार्केट जाएगा, मार्केट से बुक लाएगा, इस समय टाइम वेस्ट कर देगा और ये सब करने में उसका आधा दिन चला जाएगा। अब वो कन्फ्यूज हो गया है, बोले यार मैं कहाँ से पढ़ू, ये भी पढ़ा है मेरे को याद नहीं हो रहा, ये भी पढ़ा मैं याद नहीं हो रहा है, और मैं क्या करेगा, लास्ट में जाके वो सो जाएगा और सुबह जाके एग्जाम देने जाएगा, और इस तरह से वो कुछ मार्क्स अचीव नहीं कर पाएगा। अब उसी के सामने अगर हम टॉपर को देखें, तो उनका माइंडसेट क्लियर होता है, उन्होंने पहले से नोट्स तैयार करके रखे, उन्होंने पहले से एक नोट बना के रखा है जिसमें उन लोग ने हार्ड सम लिख के रखे कि भाई इस चैप्टर का ये हार्ड सम मुझे नहीं आता है। तो क्या करेगा, उस हार्ड सम की प्रैक्टिस करेगा और चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेगा, अगर यूट्यूब में वन सेट रिविजन के लेक्चर से तो वन सेट रिविजन के लेक्चर वो देख लेगा। तो इस तरह से टॉपर्स तैयारी करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी एक ही टीचर्स को फॉलो करते हैं, वो एक ही पद्धति को फॉलो करते हैं, 10 पद्धतियों के पीछे नहीं भागते, 10 बुक के पीछे नहीं भागते, 10 टीचर के पीछे नहीं भागते। तो ये टॉपर का सबसे पहला माइंडसेट है। तो आपको सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करना है कि आपको कभी भी आपके ऊपर डाउट नहीं रखना, आपको कॉन्फिडेंस रखना है और एक ही पद्धति को फॉलो करना है, एक ही टीचर्स को फॉलो करना है। ओके, अब बात करेंगे मिस्टेक नंबर 2 की, आलस। अब ये तो पता ही आपको, आलस सबसे बड़ा शत्रु है इंसानों का। अब देखिए, जैसे अब ठंडी का टाइम आने वाला है, 3 से 4 महीने एग्जाम बाकी है, तो अमुक बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि यही 3-4 महीने में अच्छे से पढ़ के 92-93% अचीव कर लेते हैं, और अमुक बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 से 4 महीने गवा देते हैं और कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब जैसे उनको पता है भाई सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, तो सुबह 4 बजे उठेंगे, घर वालों को देखेंगे भाई नहीं घर वाले सभी लोग सो रहे हैं, तो वो भी इंसान है, उसका भी माइंड ऐसा करेगा भाई चलो थोड़ा मैं भी सो लेता, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, मैं बाद में पढ़ूंगा। पर नहीं, उसको पता है कि अगर मैं अभी सो गया तो मेरा इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो उस चीज को समझता है, तो वो अपने दिमाग को मना लेगा भाई देख मुझे 95 प्लस स्कोर करना है, तो मैं नहीं सो सकता, मुझे तैयारी करनी है, और क्या करेगा, तैयारी करेगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आलस को एकदम दूर कर देना है, और जो भी 3 से 4 महीने बचे हैं वो 3 से 4 महीने को आपको प्रॉपर यूज करना है और पूरा का पूरा फोकस स्टडी पे करना है। अब बात करेंगे मिस्टेक नंबर 3 की, जो कि है कंसिस्टेंसी रूल। अब देखिए, मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। अब जैसे देखिए, अब एक एवरेज बच्चा होगा क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिल गया, या तो उसके क्लास में से कोई सर ने दिया होगा, या तो कोई स्कूल में से किसी टीचर से दिया होगा, या तो यूट्यूब पे वीडियो देख के उसको मोटिवेशन आ गया होगा, तो वो बोलेगा नहीं आज तो मैं पढ़ूंगा, और उस दिन वो 3 से 4 घंटा पढ़ेगा। फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो जाएगा, तो क्या करेगा, वो 3 से 4 घंटे की जगह वो अब 2 से 3 घंटा पढ़ेगा। फिर उसके बाद
एक घंटा पड़ेगा, फिर उसके बाद 10-15 मिनट, फिर इसके ऐसे 20-25 मिनट के एवरेज में पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं की है। और जो टॉपर होगा वो क्या करेगा, कंसिस्टेंसी फॉलो करेगा। वो पूरे दिन नहीं पढ़ते भाई, जो भी टॉपर्स होते हैं वो 24 घंटे में से 20 घंटा या 18 घंटा नहीं पढ़ते, वो रेगुलर 3 से 4 घंटा पढ़ते हैं। पर ध्यान से सुनिएगा, रेगुलर 3 से 4 घंटा पढ़ते हैं। उन्हें पता है भाई 3 महीने बाकी, तो रेगुलर 3 से 4 घंटा कैसे भी टाइम निकाल के 3 से 4 घंटा स्टडी करेंगे ही। और इसीलिए वो टॉपर बनते हैं, क्योंकि वो रेगुलर बेस पे उनको पता होता है भाई इतने महीने में इतने मेरे सिलेबस पूरे हो जाएंगे अगर मैं इतना टाइम पढ़ूंगा तो। तो ये टॉपर्स के माइंडसेट। अगर आप ये 3 गलती करते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई हाँ ये 3 गलती मैं करता हूँ। और अब बोर्ड की एग्जाम आ रही है तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस पढ़ने पे करना है, और जितना हो सके उतना टाइम आप पढ़ाई पे दीजिए। देखिए एक सिंपल चीज आपको याद रखनी है, सिपाही होता है उसके पास जब युद्ध के मैदान में आता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि भाई वो सोचता है कि भाई युद्ध के मैदान में जाने वाला मैं बचूंगा नहीं, अब मैं क्या करूंगा, युद्ध के मैदान में जाने के बाद मेरा क्या होगा, मैं कितने लोगों को मार पाऊंगा कितने लोगों को नहीं मार पाऊंगा, वो ये सब सोचता है, नेगेटिव फीलिंग लाता है। और दूसरा एक सिपाही होगा उसको हमेशा पॉजिटिव सोचेगा कि भाई देखो युद्ध के मैदान में आ रहा हूँ, मृत्यु निश्चित है, पर जितना हो सकेगा उतना मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगा। तो बच्चों आज आपकी बोर्ड के एग्जाम वो भी एक जंग है, आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देने का वहां ट्राई करना है। कुछ भी हो जाए आपको अपना बेस्ट देना है, जितना हो सके उतना आप तैयारी करिए। आपको ऐसा नहीं कि भाई ये इतनी तैयारी उतनी तैयारी मैं करूँ, नहीं, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करिए, अपने हिसाब से तैयारी करिए और अच्छे मार्क्स अचीव कर ही पाएंगे आप, 100% कर लेंगे, ये गारंटी है बच्चों। पर आपको खुद पे विश्वास रखना है और खुद स्टडी करना है, दूसरों के बोलने पे नहीं जाना, आपको अपना दिमाग लगाना है, दूसरों का दिमाग यूज नहीं करना है। ओके तो बच्चों ये आज की वीडियो थी, अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आपके जिस दोस्त को इस वीडियो की जरूरत है उस दोस्त को खास शेयर कीजिएगा, और इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद।